रिजल्ट आएगा तो महाराज जी 15-20 हज़ार वोटों से विजय होंगे और मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में महाराज जी सबसे ज़्यादा अच्छे वोटों से जीतेंगे। जो दलित समाज रहता है इस गांव में और ज़्यादातर इस बार जो यहां का वोट बैंक है वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर जाएगा। इस बार क्या देखोगे? इस बार तो स्वामी जी जीतते हैं। हमारा पूरा SC समाज भी स्वामी जी की तरफ एक तरफा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस तो जो पार्टी के कैंडिडेट ही उनके सामने उतारना महाभारत हो गया था तो उन्होंने हरीश रावत जी ने अपनी बेटी को भेजा लेकिन मुमकिन नहीं है। स्वामी जी के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। तुमने देखा भाई माननीय कैबिनेट मंत्री स्वामी अतिशानंद जी विधानसभा क्षेत्र क्या है हरिद्वार ग्रामीण जैसा मैंने आपको बताया। अब ये गांव है। अब इस गांव में जब मैं देख रहा था तो चीज़ें अलग अलग दिख रही थी। देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो आज़ाद समाज पार्टी दिख रही है, पेड़ बहुत अच्छा दिखा हमें, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर आकर के लोगों से चर्चा करनी चाहिए। कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा रोड है, तो लोगों से मैं ज़रूर चर्चा करूँगा कि आखिर इस विधानसभा का हाल क्या है। इस विधानसभा में और इस क्षेत्र में खास तौर पर अगर हम भाई जिस जहाँ पर बोर्ड लगा है मंत्री जी का वहाँ पर तो मैं बात जरूर करूँगा दोस्तों, तो कुछ लोगों से मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले जरा आप कुछ अच्छा आप तो भाजपा का ही झंडा देखो यहाँ पर, ये भाजपा का झंडा लेकर के आ रहे हैं, ये भाजपा का झंडा लेकर आए हैं, ऊपर आज़ाद समाज पार्टी का भी झंडा दिख रहा है दोस्तों, और एक तरफ भाई भारतीय जनता पार्टी का यतीशानंद जी का, वो मतलब कई चीज़ें हैं जो लगातार आपको कुछ ना कुछ अलग चीज़ देखिए। इधर आम आदमी पार्टी का भी एक गाड़ी जा रही है, तो आप लोगों से मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई क्या इधर आप तो भाजपा की बात करेंगे, माहौल क्यों? माहौल तो देखिए यहाँ पर भाजपा का ही है और माननीय यतीशानंद जी जो सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री थे आज वे बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से करीबन महाराज जी 15-20 हज़ार के अंतर से जीतेंगे और बहुत शानदार जीत होगी। इसलिए ना क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इससे पहले हम दूसरी पार्टी में थे लेकिन कोई उनका कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है और जो काम महाराज जी ने किया है स्वामी जी ने उनके काम को देखते हुए उनके साफ सुथरी छवि देखते हुए हमारे पूरे समाज ने SC समाज ने श्री माननीय यतीशानंद जी को अपना समर्थन कर दिया है। और देख लेना आप 10 तारीख में जब रिजल्ट आएगा तो महाराज जी 15-20 हज़ार वोटों से विजय होंगे और मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में महाराज जी सबसे ज़्यादा अच्छे वोटों से जीतेंगे। चलिए तो कुछ लोगों से और भी आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चौक जो है मुझे कई दलों का अड्डा दिख रहा है, अड्डा कई दलों का अड्डा है ना, कितने दलों का अड्डा है ज़रा बता दो। ये दलों का आप झंडे के माध्यम से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस बार बीमार मियाजा समाज पार्टी बड़े ही जोरों से हरिद्वार जिले के अंदर लड़ रही है। जो दलित समाज रहता है इस गांव में और ज़्यादातर इस बार जो यहां का वोट बैंक है वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर जाएगा क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है मतलब आजाद समाज पार्टी की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है आजाद समाज पार्टी की तरफ जाएगा। और भी लोग हैं एक यहाँ जो व्यक्ति जमीन स्थल पर काम कराएगा। देखिए अब जनता कोई पागल तो रही नहीं, अब सभी को पता है कौन का यहाँ पे कौन का ये सड़क का इसका बहुत बुरा हाल था। ये स्वामी जी ने सड़क भी बनवाई और आगे तक अब ये आप खुद देख सकते हो 20 फुट चौड़ी रोड यहाँ स्वामी जी ने बनवाई है और दो दो बार यहाँ बसपा के भी विधायक रहे उन्होंने किसी ने बनवाई, पर स्वामी जी ने यहाँ कहीं भी आप पूरी विधानसभा में चल जाओ हर जगह स्वामी जी के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है। तो जब विकास किया तो ऑटोमेटिक पब्लिक उनको वोट देगी, जिसने विकास किया है उसको पब्लिक वोट देगी। हाँ जी भैया यही रहते हो आप, वोट वोट देते हो आप? हाँ जी। तो किसका है इधर, कौन जीत सकता है? इधर तो स्वामी का ही वो है, स्वामी जी का। कैसे मतलब कारण क्या है? कारण नहीं पता, कारण तो यहाँ तो सही है, वैसे सही है। हाँ चलो सही है, क्या सही है बताएंगे नहीं, क्या सही बताएंगे नहीं। हाँ जी किसको किस किसको किसको सपोर्ट कर रहे हो? BJP को सपोर्ट है यहाँ तो, भारतीय जनता पार्टी। BJP को कारण? कारण उन्होंने विकास किया यहाँ पे, सड़क बनवाई और गांव के अंदर भी बहुत दलदल थी, पानी भरा हुआ था, पानी से जूझ रहे थे लोग बाग, यहाँ कीचड़ भरा हुआ था और स्वामी जी ने बहुत अच्छा विकास किया यहाँ पे। अच्छा हाँ जी। झंडा कई लोग के लगे हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद कई लोग के मिश्रण यहाँ पे मिलेगा मुझे। जी वो तो देखते हैं अभी, लेकिन ज़्यादातर तो देखते हैं BJP को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे।
जी। हरिद्वार ग्रामीण में हर जगह बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं जी। कुछ और लोगों से भी हम जानेंगे। देखो उधर अंदर के साइड जाते हुए देखेंगे कि आखिर वहाँ पर किसका ज़्यादा परचम है, कौन सा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, क्या है? नहीं, अच्छे तो स्वामी जी हैं, उन्होंने सड़क बनवाई है, कोई बुरे थोड़े स्वामी जी, बहुत अच्छे, नेचर भी बढ़िया, उनकी बात करने में कोई समस्या नहीं। ऐसा मंत्री मिलने का भी नहीं, दिया ढूंढते रहो। अच्छा, तो दिया ढूंढते रहो, ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा? कोई भी चला जाओ उससे बात कर देना। क्या कर दिया भैया आपके लिए, बताओ? सड़क बना दिया उन्होंने, वहाँ से वहाँ तक गाँव की 1 किलोमीटर सड़क बन गई। और बहुत सारे लड़कों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन को उससे पैसे मिल गए। अच्छा, मतलब काम करते हैं आपके लिए? बिल्कुल करेंगे, काम ना करने क्या मतलब? मतलब ऐसा भी तो होता है ना, कई बार काम नहीं करते और नहीं करते तो फिर कोई उसका कुंभ का मेला था नहीं, 12 साल बाद आओ, 5 साल बाद फिर आओ, फिर देखेंगे ना, नहीं करने के तो काम। इस बार क्या देखोगे? इस बार तो स्वामी जी जीतते हैं, चूँकि SC का वोट भी 2 जगह बटेगा और मोमडन का भी, इसलिए वो जीत जाएंगे। अच्छा, 2 जगह बटेगा, इस वजह से जीतेंगे? बिल्कुल, चुनावी समीकरण है, चुनावी समीकरण भी समझिए, वो बहुत जरूरी है समझना। कोई कह रहा आम आदमी पार्टी, वो तो कहने वाली बातें हैं, मगर स्वामी जी पर पूरा पूरा लेकर जा गए वोट। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई, कोई कह रहा है कि आजाद समाज पार्टी का वोटर है यहाँ पर, ऐसा भी अलग अलग वो तो होता ही है भाई, एक घर में 4 आदमी है तो एक तो हट गया तो क्या हो गया, 3 तो है ना हमारे साथ, तो ऐसे ही स्वामी जी आपको विजय होंगे मेरे यहाँ से। पक्का? पक्का बिल्कुल, जब विकास करेंगे तो होंगे भी। विकास क्या कर रहे हैं? सड़कें बना रहे हैं, सब पूरी नाली वाली सब सही है, उधर सड़कें बना दी तो जी, जो हमारे काम आ रहा हम उसके काम आएंगे भाई। बसपा के झंडे, आसपा के झंडे, आम आदमी पार्टी के झंडे, कांग्रेस के झंडे, जीत कौन रहा? लेकिन नहीं, जीत तो यहाँ स्वामी यतेश्वरनारायण जी रहे, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा इस तरह बहाई है कि क्या विकास कर दिया बताओ। विकास जो हुआ है हमारे गांव भट्टीपुर में भी हुआ है और अन्य क्षेत्र के गांव में भी हुआ है, हमारे गांव में सड़कों का विकास हुआ है और कुछ लड़कों को रोजगार भी दिया है। तो माननीय मंत्री जी से तो यही अपील है, यहां की सारी जनता चाह रही है कि तीसरी बार कैबिनेट वो विधायक जी को जिताकर कैबिनेट में पहुँचाया जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे विकास इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव में ऐसा क्या किया इन्होंने जिस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि भाई स्वामी जी को आप वोट दे सकते हैं या स्वामी जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? इस गांव में यहां जहां पर हम खड़े हुए हैं यहां पर सड़कें नहीं थी और अभी आप इसी सड़क की बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, सबसे बड़ी मुसीबत जो थी गांव में सड़क की थी हमारे गांव में, तो हम स्वामी जी के पास गए, उन्होंने उनको अपनी समस्या बताई तो समस्या का समाधान तुरंत हुआ हमारी। अच्छा। महाराज जी ने तुरंत समस्या का समाधान किया हमारी। अच्छा। इस बार ऐसा माहौल हो सकता है कि ऐसा, कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं कि ये यतीश्वरानंद जी की सीट जो है बहुत क्रिटिकल होने वाली है, समस्या में होने वाली है? नहीं, समस्या कुछ नहीं, इस बार हमारा पूरा SC समाज भी स्वामी जी की तरफ एक तरफा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो जो पार्टी के कैंडिडेट ही उनके सामने उतारना महाभारत हो गया था, तो उन्होंने हरीश रावत जी ने अपनी बेटी को भेजा, लेकिन मुमकिन नहीं है, स्वामी जी के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा। हरिद्वार ग्रामीण का ये जो गांव है, इस गांव में विलेज में हम आ रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं लोग, अब देखना ये होगा कि वास्तव में कुछ लोग जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा। इन सवालों को लेकर के भाई हम द न्यूज़ नेटवर्क पे बहुत से लोग हैं जो अपना सवाल खड़ा करते रहते हैं, तो सोचिए आप इन सब वीडियो को देख करके क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।